हेलो फ्रेंड, टेक विद मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा और आज का टॉपिक है डीटीएच सेटअप बॉक्स का ऑडियो वीडियो कार्ड। इसको हम लोग मदरबोर्ड भी बोलते हैं। ये हमारा डीडी फ्री डिश सेटअप बॉक्स का कार्ड है और मदरबोर्ड भी बोल सकते हैं, पीसीबी सर्किट है। मैंने इसको ऑफलाइन परचेस किया है और यह नया कार्ड है जो कि यह डीटीएच सेटअप बॉक्स में यूज होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यह हमारा एलएनबी का पॉइंट है, या एलएनबी 1, एलएनबी 2, या एलएनबी इनपुट का पॉइंट है, या एलएनबी का आउटपुट पॉइंट है। जो डिस्क छतरी से एलएनबी का पॉइंट आता है तो यहाँ फर्स्ट कनेक्ट होता है, जो कि सिग्नल का काम करता है। इसमें सिग्नल मिलता है और यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। और उसके बाद टीवी से कनेक्ट करने के लिए हमारा ये दिया गया है। इसमें 3 वायर यूज होते हैं, वाइट, येलो और रेड। ये ऑडियो वीडियो के लिए यूज होता है ये वायर। ये 3 वायर ऑडियो वीडियो के लिए यूज होता है, जो यहाँ से डायरेक्ट टीवी में कनेक्ट होता है और पिक्चर दिखता है। ये हमारा क्रिस्टल है जिसका वैल्यू है 27.000। ये हमारा क्रिस्टल ऑसिलेटर है। और मैं आपको 1x1 करके सभी कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। ये हमारा चिप आईसी है, आप देख सकते हैं, जिसमें बहुत सारा पिन दिया गया है, जिसमें ALI लिखा है, वह चिप आईसी है। और यह एक मेमोरी आईसी है जो कि QC808 लिखा है, वह मेमोरी आईसी है, जिसका नंबर आप देख सकते हैं। और डीप साइज में इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें टोटल 11 इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा हुआ है, जिसमें प्लस माइनस होता है। और इसमें SMD साइज में SMD पैकेज में कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, IC, वोल्टेज रेगुलेटर और डायोड। और यहाँ पर डीप साइड में 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, जिसका वैल्यू को मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, इसमें कितने का वैल्यू का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ये हमारा 2 ट्रांजिस्टर SS8050, इसका वैल्यू है 8050, जो कि यह NPN ट्रांजिस्टर है, आप देख सकते हैं। और SMD पैकेज में भी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। और SMD साइड में टोटल 3 डायोड लगे हुए हैं M7 वैल्यू के। इसका कोड है और आप देख सकते हैं। और ये हमारा कनेक्टर जो कि डीटीएच सेटअप बॉक्स के स्विच या डिस्प्ले कंट्रोल पैनल से यहाँ कनेक्ट होता है, जिसमें स्विच लगा होता है और डिस्प्ले कंट्रोल पैनल भी होता है, तो यहाँ से कनेक्ट होता है। और यहाँ से हमारा
पावर सप्लाई कनेक्ट होता है, जिसमें हमारा 6 पिन देखने को मिलता है। आप देख रहे होंगे जैक, ये हमारा जैक है। मैं आपको डिटेल से इसका वोल्टेज बताने का कोशिश करूंगा। जो फर्स्ट पिन होता है 3.3 वोल्ट का होता है, सेकेंड वाला ग्राउंड का होता है, थर्ड वाला 12 वोल्ट का होता है और उसके बाद 24 वोल्ट का होता है, उसके बाद ग्राउंड का होता है, उसके बाद लास्ट पिन 5 वोल्ट का होता है और 3.3 वोल्ट से ये हमारा कार्ड ऑन हो जाता है। उसके बाद साइड में इसका वोल्टेज रेगुलेटर लगा है, आप देख सकते हैं। इसको हम आईसी भी बोल सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी, जिसका वैल्यू है 1.8 वोल्ट। इसके आउटपुट वोल्टेज 1.8 है। इसका फर्स्ट पिन ग्राउंड होता है, सेकेंड पिन आउटपुट का होता है, थर्ड पिन इनपुट का होता है। इसमें इनपुट 3.3 वोल्ट देते हैं या उससे अधिक भी दे सकते हैं और इसका आउटपुट में 1.8 ही मिलेगा। और इस रेगुलेटर का वैल्यू का मेंशन है ANS1117। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं AMS1117 1.8 XJS318X और यह 8 पिन की ऐसी है, जिसका वैल्यू आप देख सकते हैं। और इसमें 8 पिन की ऐसी है SMD पैकेज में, वो आइडियो ऐसी भी है और एक वीडियो ऐसी है। इसमें 2 ऐसी लगे हुए हैं आइडियो वीडियो के लिए। और LNB में इसका आउटपुट वोल्टेज 13 से 14 वोल्ट के आसपास होता है LNB के पॉइंट में, एफएस इनपुट पॉइंट में 13 से 14 वोल्ट के आसपास होता है। इसी प्रकार ये हमारा डीटीएच सेटअप बॉक्स के ऑडियो वीडियो कार्ड है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी चले। धन्यवाद।